एंड फैक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके देखिए, सबसे पहले मल्टीपल एंड फैक्टर होते क्या है ये करते हैं. ओके मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले उसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या है. देखिए, नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर. देखिए क्या है, जो नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. नंबर बीइंग मल्टीप्लाई आर कॉल्ड फैक्टर्स. जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं. एंड द कॉन्सिक्वेंट प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर. यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल. सपोज देखिए, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, 3 × 6 = 80. ओके मैंने लिया 3 × 6 = 80. अब क्या पता था, जो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं कौन से नंबर मल्टीप्लाई किए, 3 और 6, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स. ओके इनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स. और जो हमारी प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट क्या है हमारे, देखो कौन सी कौन प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर. प्रोडक्ट क्या है हमारी, 18 आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल. ओके मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर. ईच फैक्टर मतलब इनका मल्टीपल क्या है, 18. और 18 के अगर फैक्टर हमसे पूछे जाते हैं तो वो क्या है, 3 × 6. आई होप आपको समझ आई होगी. एक बार और रिपीट करते हैं कि जो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम फैक्टर, और जो प्रोडक्ट हमारी निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल. ओके अब देखिए, किसी भी नंबर के मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं. सपोज देखिए, हमें बोला जाए कि हमें 6 के मल्टीपल निकालने का छोटा नंबर देते गया है, ठीक है, 2 लिया हमने. हमें बोले कि फाइंड आउट द मल्टीपल, या फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल बोले, या फिर ऐसे बोले फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 2, या फाइंड आउट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2. तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले किसी भी नंबर के हमें मल्टीपल निकालने हो तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी या जितने भी हमें बोले जाए हम क्या करेंगे, उनकी कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल निकालें तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे. 2 × 1 = 2. ओके 2 × 2 = 4. ओके 2 × 3 = 6. 2 × 4 = 8. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2. ओके हमें बोला कि फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2, तो हमने क्या किया, हम कॉन्टिन्यूसली 1, 2, 3, 4 से 4 तक हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ. और ये जो हमारे आए हैं 2, 4, 6, ये हमारे क्या आए हैं, 2 के मल्टीपल आए. ठीक है, इसी तरह हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल भी बोल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, 2 × 5 = 10. ओके अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 से जितना भी कह रखा हो. ठीक है, अब देखिए आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम प्रॉपर्टीज करते हैं. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. कोई भी हम नंबर लेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 1. किसका मल्टीपल होता है, 1 का. अब देखो मैंने लिया 4 × 1 = 4. अब देखिए हमारा क्या 4 है ना, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, और ये क्या है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल. तो अब देखें किसने क्या बोला है, जो काउंटिंग नंबर, एवरी काउंटिंग नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. जो फैक्टर है 4 के फैक्टर है ये 4 और 1. ठीक है, और 4 क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है. मतलब 1 का मल्टीपल क्या है, 4 है. हम कोई भी नंबर ले ले उसमें 1 तो होता है. जैसे 7 × 1 = 7, 6 × 1 = 6. तो ये जो 1 है ये क्या है,
ये जो क्या है, ये 7 और 6 के अपन के मल्टीपल ही तो है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ओके अब नेक्स्ट देखिए, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मल्टीपल भी है, क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे 6 * 1 किया, यहां पे 4 * 1 किया, हमारा 4 आया, नंबर इटसेल्फ आया ना, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 भी तो है, ठीक है। 4 का मल्टीपल क्या बोला है, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये मल्टीपल है ना, देखो 4 का 4 है, 7 का 7 है, 6 का 6 है, सब में आ रहा है ना, ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये हमारा क्या है, मल्टीपल है, ये इसके इसके ये फैक्टर है और ये जो है इसका क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। एक बार और करते हैं, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। मैंने आपको बताया कि जो जिन नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी आती है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। इट मींस क्या है कि अगर हमसे कोई पूछे कि 4 के फैक्टर क्या होंगे तो क्या होंगे, ठीक है, और 4 और 1 का मल्टीपल कोई पूछेगा हमसे तो क्या आएगा ये, इसका मतलब जो 1 और 4 का मल्टीपल क्या है, 4 है ना, 4 4 का मल्टीपल भी है और 4 किसका मल्टीपल है, 1 का भी है, और 4 के अगर फैक्टर पूछे तो क्या आएगा, 4 * 1 यानी कि 4 और 1। ओके अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एवरी काउंटिंग नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर, ठीक है, क्या है, एवरी काउंटिंग नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर, हर एक नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं या फिर क्या होते हैं उस नंबर से ग्रेटर देन होते हैं। जैसे हमने 4 के मल्टीपल 4 के निकाले थे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 4 के हमने मल्टीपल्स निकाले तो 4 के क्या है, 4 का मल्टीपल 4 आया, इक्वल है हमारा, 8 क्या है, ग्रेटर देन है, तो क्या आया हमारा, इक्वल भी है और क्या है, ग्रेटर देन भी है, नंबर से जिसके हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 ऑलवेज एंड इन 0। अगर हम 10 के मल्टीपल निकालेंगे, हम मल्टीपल मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, 1 से लेके जितने भी बोल रखा हूँ उनकी काउंट मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 10 के हम मल्टीपल निकालेंगे, 10 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। देखिए अब आगे हम 10 की मल्टीप्लाई अगर किसी से भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऐसे ही आएंगे, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। इन्होंने क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 10 ऑलवेज एंड इन 0, क्या होते हैं, एंड होते हैं 0 से। देखो सबके लास्ट में क्या आई हुई है, 0, मतलब 10 के हम जितने भी मल्टीपल निकालेंगे उनके एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके देखिए नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 5 एंड इन ईदर 5 और 0, क्या है, जो 5 के मल्टीपल होंगे या तो उनके एंड में हमारी 0 मिलेगी या फिर क्या मिलेगा, 5। देखिए हम 5 के मल्टीपल निकालते हैं, 5 * 1 = 5, 5 * 2 = 10, 5 * 3 = 15, 5 * 4 = 20। देखो यहाँ हमारा लास्ट नंबर क्या है, 5, यहाँ हमारा क्या है, 0, फिर क्या है, 5, और फिर क्या है हमारा, 0। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है या क्या आ रहा है, 0, इसलिए ये बोला है कि मल्टीपल ऑफ 5 एंड ईदर 5 और 0, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नेक्स्ट करते हैं हम, फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ठीक है, हमें मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, सॉरी फैक्टर निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से, फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ओके देखिए मल्टीप्लीकेशन से तो अभी आपने देखे, जैसे मैंने 2 के मल्टीपल निकाले थे तो कैसे निकाले थे, 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई पहले किससे की, 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे की, 2 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे की, 3 से, ठीक है, 2 3 जा 6।
तो देखिए ऐसे तो ये तो हमारा है कि हम मल्टीप्लाई के थ्रू फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमारे टू के फैक्टर्स आ रहे हैं कि सारे के सारे हम टू के जो सॉरी मल्टीप्ली फैक्टर निकाल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। अब डिवीजन के थ्रू कैसे निकालते हैं ये देखिए, हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज मैं लेती हूँ सिक्स, सिक्स डिवाइड टू, हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो टू के टेबल में सिक्स कितने नंबर पे आता है, थ्री पे, टू थ्री या सिक्स, हमारा क्या बच गया जीरो, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिक्स में से सिक्स गया जीरो। देखो अब इससे हमारे फैक्टर कैसे निकल के आए, अगर कोई भी नंबर हमें सपोज दो नंबर दे रखे हैं और एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, जैसे हमने सिक्स लिया था और टू इससे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा क्वोशेंट है और जो ये डिवीजर है, ये क्या है, डिविडेंड के फैक्टर है। इफ अगर हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और क्या आता है, हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो क्वोशेंट और वो डिविजर उस डिविडेंड के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट करती हूँ, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या होता है, जीरो, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हमारा जो क्वोशेंट है, ये हमारा क्वोशेंट है और ये हमारा क्या है, डिविजर है, वो क्या होंगे, इस डिविडेंड के क्या होंगे, फैक्टर्स। डिविडेंड के क्या होंगे, क्वोशेंट और क्या, डिविजर, डिविजर, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, लेकिन कब होंगे, इफ रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, जीरो, ठीक है, क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, जीरो। तो ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, क्वोशेंट और डिविजर। ओके, आपको समझ आ गया कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू और डिविजन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन फैक्टर, कि हमें टू नंबर्स के लिए, टू नंबर्स गिवन है और हमें क्या निकालने हैं, हमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सपोज हमें दे रखे हैं टू नंबर सिक्स और टेन, दीज टू नंबर्स आर, ठीक है, दीज टू नंबर गिवन एंड हमें क्या निकालना है, हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर भी कौन से, कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, अब सिक्स के हम फैक्टर करेंगे, पहले सिक्स के फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है कि सिक्स जो है किस किस के टेबल में आता है या वो किस किस से डिवाइड होता है। देखो किससे डिवाइड होता है हमारा, टू से होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री, टू थ्री का क्या होता है सिक्स, या फिर हम थ्री टू का भी लिख सकते हैं सिक्स, ठीक है, इनको चाहे कैसे लिख लो सेम रहेंगे, सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। अब टेन के निकालते हैं, टेन किस किस से किस किस की मल्टीप्लीकेशन होता है, किस किस के टेबल में आता है, टू मल्टीप्लाई फाइव, टू फाइव या टेन, या फाइव मल्टीप्लाई टू, फाइव टू जा टेन, टेन वन जा टेन भी होता है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ ना ये फैक्टर, हमने सिक्स के भी फैक्टर लिख लिए, टेन के भी फैक्टर लिख लिए, अब ये देखो इसमें कॉमन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे पहले ये क्या है कॉमन, ये पहले मैं इसका करती हूँ टू मल्टीप्लाई थ्री, फिर मैं ये लेती हूँ टू मल्टीप्लाई फाइव। अब देखिए, अब क्या है इसमें कॉमन, हमारा टू आ रहा है ना, देखिए टू कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो सिक्स और टेन में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे क्या आएगा, आंसर इज टू। अब देखो तो कोई कॉमन है, ये थ्री है, ये फाइव है, यहाँ सिक्स है, यहाँ टेन है, और वन भी, क्योंकि वन भी तो कॉमन है ना, इसमें भी वन है, उसमें भी वन है, ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या आते हैं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए सबसे पहले टू से डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, इसमें वे रूल बताए जाते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से कैसे डिवाइड होता है या क्यों डिवाइड होता है, मतलब कब डिवाइड होगा। एक तो हम जैसे पूरा डिवाइड करके देखेंगे, जैसे ऐसे करके हम टेन को टू से डिवाइड करेंगे तब हम देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं, लेकिन कुछ रूल होते हैं जिनको पढ़ के, जिन्हें सिंपली तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए चलो करते हैं,
से डिवाइड है। देखिए 2 से डिवाइड कब होगा कोई भी नंबर? सबसे फर्स्ट तो हमारा 2 इवन होता है, आपको इवन ऑड के बारे में पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी नंबर है हमारा, कोई भी नंबर या तो उसके लास्ट में जीरो हो या फिर क्या हो 2 का मल्टीपल। जैसे सपोज मैं लेती हूँ 25। अब कोई आपसे ये पूछे कि 25 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब बिना डिवाइड किए हमें ये बताना कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका लास्ट वाला नंबर देखेंगे, डिजिट देखेंगे लास्ट वाली। क्या है डिजिट? 5 है। मैंने आपको बताया तो जीरो हो, इवन नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर आपको पता होंगे, इवन नंबर 2 के मल्टीपल जैसे कि 2, 4, 6, 8 और इधर 0 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हम अगर ये हमारे नंबर होंगे लास्ट में तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, 5 है, इन नंबर्स में से है नहीं, है ना। तो ये जो नंबर है हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। ये है हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर हमें दे रखा है अगर उसका लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो तो वो नंबर क्या होएगा हमारा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है 3 से करते हैं। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर हमें जो नंबर दिया हुआ है, क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ उसके डिजिट का हम सम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सम करते हैं। सपोज मैं कोई नंबर लेती हूँ 352 मैंने दिया। अब हमें कोई ये पूछे कि ये बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है बिना डिवाइड किए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो ये डिजिट है ना दिख रहे हैं आपको, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 5 + 2, ठीक है। 3 + 5 + 2 5 3 8 8 + 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। अगर हमारा जो सम आएगा, ये सम आना, अगर ये सम इस 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो ये नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर जो ये सम है हमारा, अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा जो ये नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, और 10 को 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता ना, इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है ये 3 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप बेशक से करके देख लो, 3 5 2, 3 1 3 में जाएगा सबसे फर्स्ट, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 5, फिर 3 1 3 पे जाएगा 2 और फिर ये नंबर हमारा आएगा यहाँ पे 2 22। अब किस पे जाएगा, 3 7 जा 21। अब देखिए 3 7 जा 21। अब देखिए 21 में से हम वो करेंगे, 22 में से 21 लेस करेंगे तो क्या बच गया हमारा, 1 बच गया, हमारा मतलब रिमाइंडर बच गया, हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना। तो हमारा क्या है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है उसकी डिजिट का हम सम करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है इट मीन्स वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल हमारा किसके लिए है, 9 के लिए है, ठीक है। दोनों का रूल सेम है, ठीक है, क्या है हमारा सेम है डिविजिबिलिटी रूल। 9 से भी वही है, अगर नंबर दे रखा है उसके डिजिट का सम हमारा 9 से डिवाइड होता है, सेम यही करते हैं हम करके। 3 5 2 हमारा सम इसका क्या आया था, हमारा 10 आया था। अब 3 से डिवाइड हुआ, अब 9 के टेबल में आता है 10, नहीं आता है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। सपोज देखिए मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिया 1, अब सम क्या हो जाएगा इसका, 9, इनको सम ऐड करेंगे 3 + 5 + 1 हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 क्या है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के भी आता है, इतने से जो 351 है ये किससे, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से, ओके। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है
अगर स्पोज मैंने नंबर लिया, अगर इसके लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट क्या है, 16, 1 और 6 है। अगर ये कुछ डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इफ लास्ट टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4, देन द नंबर इज किससे डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा गिवन नंबर है उससे डिवाइड हो जाएगा। गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय, विल बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, समझ आया। जैसे देखिए ये नंबर है हमारा, लास्ट में क्या है, 16 है, 16 4 से डिवाइड हो रहा तो ये नंबर भी हो जाएगा। आइए इसे करते हैं, 8 16 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, 0, ऊपर से हम उतारेंगे यहाँ पे 1, हाँ 1 ही 4, 1 के नीचे 4 नहीं आ सकता, तो क्या आएगा इसका 0, फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ पे 6, अब क्या बन गया 16, तो 4 4 जा 16, देखो हो गया ना पूरा डिवाइड। तो फॉरवर्ड डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट जो है अगर वो हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का, 5 का देखिए हम कैसे करते हैं। 5 का मैंने एक और बताया था कि जो 5 के मल्टीपल होते हैं उनके लास्ट में ईदर हमें क्या मिलेगा, 0 या फिर क्या मिलेगा 5। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल जो है 5 का वो भी सेम ही है कि 5 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा, या तो लास्ट में क्या मिलेगा 0 या फिर क्या मिलेगा 5। जैसे स्पॉज 255, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5, तो इट मीन्स ये नंबर जो है इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ हमारा होता 254, तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हो, आपका ये नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर लास्ट में आपका 0 हो, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ 250, तो ये नंबर भी है जो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, ये वाला 250 डिवाइड करके देखते हैं इसको 5 से, 250 डिवाइड 5, ओके। अब देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, अब 2 है, 2 के नीचे तो नहीं आएगा 5, 2 नंबर्स लेंगे 25, 5 5 जा 25, ओके, 0 ऊपर से 0 और ये 0, देखो हो गया ना पूरा, है ना, 5 से डिवाइड हो गया। अगर मान लो हम यहाँ 4 ले लेते, ठीक है 4 ले लेते हम यहाँ, और यहाँ पे क्या जाता 4, अब देखो 4 के नीचे 5 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये हमारा क्या बन जाता, रिमाइंडर बन जाता है, तो मीन्स ये 254 जो है इससे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 6 करते हैं, 6 का क्या है, 6 का देखिए, 6 देखो पहले तो किसके फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई, है ना, 2 3 का क्या होता है 6, 3 2 का क्या होता है 6, 6 का क्या होगा, अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। मैंने दिया जैसे 12, देखिए 2 की टेबल में आता है 12, 2 से डिवाइड होगा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में आता है 12, 3 4 जा 12, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये किससे डिवाइड होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 6, ओके, 6 से भी ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा है 6 का, कि कोई नंबर हमारा 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 12 किससे डिवाइड होगा, 6 से, ठीक है। अब है हमारा 10, देखिए 10, 10 का तो मैंने आपको बताया था, 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, अगर 0 है तो क्या है, 10 का मल्टीपल है, ठीक है, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि लास्ट में अगर हमारी 0 होगी तो वो नंबर किससे होगा, डिवाइड होगा 10 से, जैसे 40 50 60 100 ले लो 120, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 10 से, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।